नीतीश कुमार जी जाके पहले पिक्चर देखें, उसके बाद उसको टैक्स फ्री करें। किसानों को समय पर डीजल अनुदान मिल रहा है कि नहीं, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। जो कोरोना काल में जो व्यापारी थे उनका किस्ती जो है ईएमआई वो माफ हुआ कि नहीं हुआ, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जो छात्रवृत्ति है उसको समय पर मिल रहा है कि नहीं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं बोला जा रहा है मस्जिदों से कि अपनी बहू बेटियों को छोड़ करके जाओ। ये लोग जात के नाम पर एक वोट बैंक की राजनीति करते हैं और सच्चाई को दबाते हैं। इसलिए इस फिल्म बनाने वाले को भी और सरकार को भी कोट सा धन्यवाद है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर देश में कई तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और बिहार की बात करें तो बिहार में भी ये फिल्म अब टैक्स फ्री हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए इस मुद्दे पर मौजूद हैं बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर और मुकेश रोशन जो कि आरजेडी से हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुकेश रोशन से ही। मुकेश जी, आप लोग को आपत्ति दरअसल क्या है कि कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर? देखिए, ये लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बिहार में पिछले 16 वर्षों से डबल इंजन का सरकार है, कितने लोगों को रोजगार मिला इसकी समीक्षा होनी चाहिए, उस पर एक पिक्चर बनना चाहिए। नीतीश कुमार जी जाके पहले पिक्चर देखें, उसके बाद उसको टैक्स फ्री करें। किसानों को समय पर डीजल अनुदान मिल रहा है कि नहीं, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। जो कोरोना काल में जो व्यापारी थे उनका किस्ती जो है ईएमआई वो माफ हुआ कि नहीं हुआ, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जो छात्रवृत्ति है उसको समय पर मिल रहा है कि नहीं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। यानी टैक्स फ्री को आपको लगता है ये गैर जरूरी चीज है, दूसरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जो जरूरत की चीज है उस पर होनी चाहिए थी चर्चा, और उस पर टैक्स फ्री हो तब ज्यादा अच्छा रहता। डीजल अनुदान मिले उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, उस पर सब्सिडी और टैक्स फ्री होना चाहिए। मतलब बिल्कुल बिल्कुल किसानों के लिए सबसे जरूरत का चीज है। उनको टैक्स फ्री करने से क्या फिर मंशा आपको लग रहा है? देखिए, अभी ये लोग बस वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसीलिए ये फिल्म को धार्मिक रूप ही लोग दे रहे हैं। हरिभूषण जी देख रहे हैं, धार्मिक रूप दे रहे हैं, आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? फिल्म तो बिहार में टैक्स फ्री हो गया है। निश्चित रूप से सरकार को इसके लिए धन्यवाद है। और छद्म धर्म निरपेक्षता के नाम पर इस देश में कैसा नरसंहार हुआ, सच्चाई किसी को नहीं बताया गया, विस्थापन हुआ दुनिया के इतिहास में कहीं भी। आज यूक्रेन में विस्थापन हो रहा है, लेकिन ये नहीं बोला जा रहा है मस्जिदों से कि अपनी बहू बेटियों को छोड़ करके जाओ। ये लोग जात के नाम पर एक वोट बैंक की राजनीति करते हैं और सच्चाई को दबाते हैं। इसलिए इस फिल्म बनाने वाले को भी और सरकार को भी कोटि सा धन्यवाद है। आपने फिल्म देखा है? हाँ, देखे हैं, मोबाइल पर देखे हैं, हॉल में, क्योंकि 21 तारीख तक हॉल बुक है, फुल हाउस फुल है, तो आवेंगे होली के बाद देखेंगे। तो हॉल में जाकर नहीं देख पाए? देखेंगे। मुकेश भाई, आप फिल्म देखेंगे कश्मीर फाइल्स? पहले नीतीश कुमार जी देखे, उसके बाद हम लोग भी विचार करेंगे। पहले नीतीश कुमार जी देखे। अच्छा। हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी देखे और वो बताए कि आखिर इस पिक्चर में क्या है जो टैक्स फ्री किया गया है। जो भी धर्म निरपेक्ष हुलबुल्ली ले लिया है, जो भी धर्म निरपेक्ष है, वो बघेल साहब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कल जाकर के देखे हैं। अब भारत के राजनीति में छद्म निरपेक्षता गया, राष्ट्रवाद, भारतीयता और हिंदुत्व आ गया है मेन स्ट्रीम में। अब जो है ये जातिवादी लोगों की दुकान, और जात ले लो हिंदू से, अब मुसलमान का थोक वोट ले लो, वो अब राजनीति गई। सच्चाई अब एक एक व्यक्ति देख रहा है। जात की राजनीति खत्म, अब हिंदू मुसलमान सिर्फ हो रहा है। ये देश सभी का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का देश है। इस तरह के फिल्म बनाने से एक जाति विशेष के लोगों पर प्रहार किया जा रहा है, ये गलत है। देश सबका है तो 47 में विभाजन क्यों हुआ, किस आधार पर विभाजन हुआ, उस पर भी फिल्म बनना चाहिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं बिहार में कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है वो टैक्स फ्री तो कर दिया गया है, लेकिन इसको लेकर जो है बीजेपी और आरजेडी के बीच में बवाल मचा हुआ है। और आरजेडी दरअसल मांग कर रही है कि फिल्म को टैक्स फ्री करने से बेहतर है, ज्यादा जरूरी है कि बाकी डीजल पेट्रोल की चीजें जो महंगी है, आम आदमी से जुड़ी हुई चीजें हैं, इन सब पर जो है टैक्स की एक कटौती की जाए ताकि आम आदमी को कुछ राहत मिल सके। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।